हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। उत्तराखंड के इतिहास को जानने के दो तरह के स्रोत होते हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत। उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत, उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आप लोगों का साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जो खुदाई वगैरह के बारे में हम इसमें बात करेंगे। जो भी अवशेष हमें मिले हैं पुरातात्विक साहित्य, तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक जो साहित्य है दोनों में, और स्रोत हम इसे कह सकते हैं। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले जो उत्तराखंड का वर्णन मिलता है वो हमें वर्णन मिलता है रामायण और महाभारत में। महाभारत में हमें वन पर्व में उत्तराखंड का मेंशन मिलता है। यहाँ पर एक यात्रा का वर्णन किया गया है, जो कि यात्रा आपकी हरिद्वार से केदारनाथ तक बताई गई है, और यहाँ पर हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। हरिद्वार को क्या कहा गया है? गंगा द्वार कहा गया है, और केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केदारनाथ का को किस नाम से वहां पर मेंशन किया गया है। तो हरिद्वार से यह यात्रा कहाँ तक होती है? भृंगतुंग का होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कहाँ पर उत्तराखंड का वर्णन हमें मिलता है या उत्तराखंड से रिलेटेड चीजें हमें मिलती हैं, तो वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, और अग्नि पुराण। इसके अलावा आपको याद रखना है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण बहुत इम्पोर्टेंट है इस बारे में, ऐतिहासिक जानकारी के मामले में। और स्कंद पुराण में केदारखंड, क्योंकि उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका केदारखंड, जिसे जो कि आज का गढ़वाल क्षेत्र है, और दूसरा है आपका मानसखंड। मानसखंड को आज का जो कुमाऊं क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है, ये आज का कुमाऊं क्षेत्र है, इन दोनों में। इसके अलावा अगर बौद्ध ग्रंथों की बात की जाए तो उसमें जातकों में भी उत्तराखंड को मेंशन किया गया है। उसपे हमें जानकारी मिलती है, और कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जैसे कि रघुवंश, ये इनकी रचना उत्तराखंड में ही मानी जाती है। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी रचना भी उत्तराखंड में ही मानी जाती है। जो ये सभी वर्क हैं, ये जो हैं, वो लिखी गई है कालिदास जी द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम साहित्य की बात करें तो एक बुक है हर्षचरित। हर्षचरित जो कि बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है, बाण भट्ट द्वारा, और इसमें भी इस क्षेत्र की यात्रा पर आने जाने वाले लोगों का उल्लेख इस किताब में मिलता है। हर्षवर्धन के शासन काल में ही यहाँ पर आया था एक व्यापारी, जो यात्री था, व्यापारी तो नहीं कहेंगे, यात्री कहेंगे, और वह इंसान। अगर आप कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाता है कि हर्षचरित जो हर्षवर्धन थे उनके टाइम पर ही क्या हुए थे, वह इंसान आए थे, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर हर्षवर्धन के शासन काल में जो वेनसांग आए थे वो उत्तराखंड राज्य में भी आए थे, ये आप लोगों को याद रखना है। वेनसांग
उन्होंने हरिद्वार को क्या, उन्होंने हरिद्वार का नाम जो लिखा है उसको लिखा है मोयुलो, मोयुलो। और उसपे हिमालय का जो वर्णन हमें उसमें मिलता है बुक में, हिमालय को उन्होंने लिखा है पोली हिमो यूला, ये उन्होंने कहा है। और इसी को उन्होंने हिमालय का जो हिमालयी राज्य या हम उत्तराखंड राज्य बोले तो उसको उन्होंने ब्रह्मपुर कहा था, ब्रह्मपुर नाम से उन्होंने इसे कहा था। इसके अलावा अगर हम साहित्यिक बुक्स की बात करें तो उसमें एक और बुक है जिसका नाम है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी बुक के राइटर हैं आपके कल्हण। कल्हण में जो स्टोरी है उसमें कश्मीर के एक शासक ललितादित्य मुक्तापीड, इसने गढ़वाल विजय की थी ऐसा लिखा हुआ है। तो जो राजा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ललितादित्य, ललितादित्य राजा थे, ललितादित्य मुक्तापीड, और इन्होंने गढ़वाल विजय का उल्लेख इसमें किया है। तो इसी तरह से जो किताबें हैं, चाहे वो धार्मिक किताबें हों या कोई अन्य किताबें हों, उनसे हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए इनको ऐतिहासिक स्रोतों में रखा गया है। एक एक हस्तलिखित ग्रंथ जो कि जिसका नाम है गुरु पादुक, गुरु पादुक ये एक हस्तलिखित ग्रंथ है। हस्तलिखित ग्रंथ ये कहाँ पर मिला था? ये मिला था आप लोगों का जोशीमठ में, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। गुरु पादुक जो है वो इसमें शासक और वंशों के बारे में बातें की गई है, शासक और वंशों के बारे में लिखी गई है, गढ़वाल से रिलेटेड जो वंश है उनके बारे में उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा जो उत्तराखंड है वहां पर कई तरह की लोक गाथाएं प्रचलित हैं, हम लोगों ने भी काफी सारी कहानियां सुनी हैं। तो लोक गाथाएं, लोक गाथाओं से क्या होता है उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो पहली कहानी है मालूशाही की, इसमें आपका क्या है मालूशाही, मालूशाही ये एक प्रेम गाथा है, ये राजुली और मालू, राजुली एवं मालू की प्रेम गाथा है, ठीक है, राजुली एंड मालू की एक प्रेम गाथा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है दूसरा रमोला गाथा, रमोला एक कास्ट है, रमोला गाथा में रमोलों के बारे में वीर गाथाएं हैं और 15-20 कहानियां हैं वीर रस की। इसमें दो चीजें आती हैं, दो गाथाएं हैं, एक है आपकी बर्मी कंबल गाथा, बर्मी कंबल गाथा, और दूसरा है उदा रौतेली की गाथा, उदा रौतेली की गाथा। अब उदारौतली गाथा और बर्मी कंबल गाथा, दो गाथाओं के बारे में इसमें बात की गई है। और जो बर्मी कंबल गाथा है इसमें रमोलों का संबंध नाग वंश से बताया गया है, नाग वंश से बताया गया है। और उदारौतली गाथा जो है इसमें रमोलों का जो संबंध है वो श्री कृष्ण वह पांडवों से बताया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम ये भी बात उठती है कई बार कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उन पर भी डाउट किया जाने लगता है जब उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि बहुत सारा जितनी भी कथाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं चीजों में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि निकल कर आ जाती हैं, इन्हीं बुक्स के जरिए चीजें पता चलती हैं। अब आती है तीसरा जो है, इसी में आपको याद होना चाहिए, हुड़की,
एक वाद्य यंत्र होता है, अगर आप लोगों को ना पता हो, खासकर गढ़वाल क्षेत्र में नहीं होता, ये कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है और इस तरह से हुड़की होती है। ये अगर हम गढ़वाल क्षेत्र का बोले तो गढ़वाल क्षेत्र में डोर शब्द यूज होता है और वो छोटा सा एक ढोलक की तरह होता है, ठीक है। और हुड़की क्या है, थोड़ा सा लंबा वाद्य यंत्र होता है। तो हुड़की बोल गाथाएं, हुड़की बोल गाथाएं, ये कई तरह की के गाने होते थे, गीत होते थे, जो कि खेतों में काम करते हुए कृषि खेती बाड़ी इनसे संबंधित गाने गाए जाते थे। तो वो हुड़की बोल कथाओं से होती है। इसमें महाभारत की कथाओं के अतिरिक्त नागवंश से संबंधित गाथाओं का भी वर्णन होता है। तो कई तरह की गाथाएं इसमें गाई जाती हैं, कहानियां गाई जाती है, इवन आज की डेट में भी ये सारी चीजें प्रचलित आप लोगों को मिल जाएंगी। उसके बाद आता है जागर। जागर तीन तरह के जागर होते हैं और ये आपके क्या होते हैं, लोक विश्वासों पर आधारित गाथाएं होती हैं। इसमें लोक विश्वास पर आधारित गाथाएं ये होती हैं। तो ये लोक विश्वास पर आधारित गाथाएं होती हैं और इनका संबंध ज्यादातर तंत्र मंत्र पूजन और देवताओं को नचाने के लिए। तो गढ़वाल क्षेत्र में जागर काफी प्रचलित है। अब अगर हम इसके, मैंने आप लोगों को कहा कि ये तीन तरह की जागर यूजुअली आप लोगों को देखने को मिलेंगी उत्तराखंड में, आज भी ये प्रचलित हैं। जैसे कि पहला है देवी देवताओं के जागर, और दूसरा होता है जो प्रेत बाधा के जागर, और तीसरा है एक तरह के होते थे वो शासकों पर डिपेंड होते थे, स्थानीय शासकों के जागर, शासकों के जागर। तो ये तीन तरह के जो जागर हैं वो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बारे में इनसे हमें पता चलता है। हम बात क्या कर रहे हैं, हम अभी जानने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उत्तराखंड का इतिहास हमें लिखना पड़े तो हमें किन चीजों को स्टडी करना चाहिए, या हमें उत्तराखंड के बारे में कहाँ से, जो पुराना हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, वो कौन कौन सी चीजों से हमें मिलता है, और इसी से रिलेटेड हमारे क्या होंगे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं, जिसमें कि ऐतिहासिक वंशों में कत्यूरी, चंद और परमार, ये सभी हमको जो भी ऐतिहासिक राजवंश है उनके बारे में भी आपको जागर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो पांचवा है वो है आपका पावड़े, उनको पावड़े और या इनको कहा जाता था अथवा भड़ो, तो ये भड़ो गीत बोला जाता था और ये वीर रस की कविताएं होती थी। यहाँ पर एक शब्द यूज हो रहा है भड़, तो पूछा जा सकता है कि भड़ क्या होता है, तो भड़ मीन्स होता है एक योद्धा, या हम उसे कहेंगे वीर। और इनको जो गाते थे, पावड़े या भड़ो जो गाते थे, उनको हम कहते थे भाट। जो गाने वाले थे उनको क्या कहेंगे, गाने वाले लोगों को हम क्या कहते थे, भाट कहते थे। और इसमें कुछ जो बहुत ही फेमस है, इसमें युद्धों का सजीव वर्णन हमें मिलता है और इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस भी हमें देखने को मिलता था। इसमें आप लोग लिख लीजिए, ये नोट डाउन आप लोगों को कर लेना है अपने एग्जाम के लिए, रमीचंद भड़ोगी, विक्रमचंद, तीसरा है रानी रौत और चौथा है सौबी रौत, राम्या रौत। ये आप लोगों को क्या है, भड़ो गीत है। अब आ जाते हैं जो ज्यादा ऑथेंटिक, जिन चीजों को इतिहास लिखने में माना जाता है, वो होती हैं आप लोगों की पुरातात्विक जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अब हम बात करेंगे।
अभी तक हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात की, अब हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। इसमें मुख्यतः तीन चीजें हमें उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। पहला है आप लोगों का अभिलेख। आप लोगों को कुछ अभिलेख मिलेंगे जिनमें उत्तराखंड का वर्णन होगा या विशिष्ट चीजों के बारे में इसमें लिखा होगा। दूसरा होगा स्मारक और तीसरा है आप लोगों का मुद्रा। कई मुद्राएं जो शासकों द्वारा निकाली जाती थी उसमें उसमें हमें ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर हम उसे ले सकते हैं। इसमें अभिलेखन में चट्टानों पर हमें चित्र मिलते हैं, प्राकृतिक शिलाएं हम लोगों को मिलती हैं, ईंटें हैं, मुद्राएं हैं, स्तंभ ताम्रपत्र हैं और मृदभांड देखने को मिलते हैं। और इस उत्तराखंड के जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं इसमें हमें कुछ भाषाएं देखने को मिलती हैं। तो उन भाषाओं को आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि पहला है आप लोगों का प्राचीन ब्राह्मी। दूसरा दक्षिणी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी, कुटिल, ये जो पुरानी भाषाएं हैं, नागरी, ये भाषाएं आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगी। अभिलेखों की हम बात करें तो कुछ जगह हैं जिनको अगर आप पहले से सिर्फ प्लेसेस का नाम याद रखेंगे तो आपको ऑप्शंस में आंसर करने में इजी रहेगा, आप उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो पहली जगह है आप लोगों के सिरौली, दूसरा है कालसी जो कि बहुत ही फेमस है, और गोपेश्वर का त्रिशूल लेक आप लोगों को पता होगा गोपेश्वर का है। फिर है मंडल, माणा, सॉरी देवप्रयाग। इन जगहों से आप लोगों को अभिलेखों की प्राप्ति होती है उत्तराखंड में, और जो अभिलेख मिले हैं उनसे उत्तराखंड के जो प्राचीन चीजें हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा अलकनंदा घाटी, अल्मोड़ा, खुटवानवाल, चमोली आदि से भी हमें क्या मिलती है, कुछ पाषाणकालीन अभिलेखे साक्ष्य मिलते हैं। 1968 में 1968 में सुयाल नदी, ये आप लोगों को याद रखना है, सुयाल नदी के बाएं तट पर जो कि अल्मोड़ा में है, एक जगह है मिलती है लाखू उडयार। लाखू उडयार में चित्रित शैलाश्रय की पहली खोज हुई थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि ये था आप लोगों का 1968 ईस्वी में लाखू उडयार, ठीक है। तो लाखू उडयार की खोज होती है। उसके अलावा जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें भी अलकनंदा, जो चमोली है उसमें ग्वारख्या उडयार। उडयार शब्द अगर कुछ लोग नहीं जानते, उडयार मीन सिंपली होती है गुफा, ठीक है। तो लाखो गुफा या लाखो उडयार। इसके अलावा जो दूसरा था वो कहाँ था, मैंने आप लोगों को बताया गोरख्या। गोरख्या गोरख्या उडयार, गोरख्या उडयार क्या है, ये आप लोगों का प्रमुख है। यहाँ पर दो शैलाश्रय मिले थे। इसके अलावा जो था वो था किमना ग्राम। किमना ग्राम में एक शैलाश्रय मिला था, तो किमना ग्राम या किमनी विलेज भी इसको कहा जाता है। गोरख्या उडयार और लखू उडयार ये आपके पहले थे। इसके बाद अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़े तो बनकोट में आठ ताम्र मानवों की आकृति मिलती है। इनको ये जो लेसन है आप लोगों का बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, जो पेड कोर्स है, बनकोट में आपके आठ ताम्र मानव मानव की आकृति आपकी बनकोट में मिलती है। इसके अलावा जो हरिद्वार है, हरिद्वार के बहादराबाद में, बहादराबाद
में जब खुदाई हुई तो वहां पे ताम्र उपकरण मिले थे। जो ताम्र उपकरण और गैरिक भांड जैसे मृद भांड मिले थे, और इस पर जो यदि कहा जाए कि उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के ज्ञान के लिए हमारी निर्भरता पुरातात्विक अवशेषों पर है, तो ये असत्य नहीं है। ये बहुत ज्यादा जो हम कहें जो नॉलेज हमें मिलता है वो इन्हीं जगहों पर मिलता है, और इसी के हिसाब से हम अपना जितना भी इतिहास लिखा गया उत्तराखंड का लिखा गया है, इसलिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वामन गुफा, देवप्रयाग और कल्पनाथ गुफा में गुहा भित्ति लेखन भी मिलता है। तो अगर हम एक और टॉपिक लिख लें कि जो गुहा भित्ति लेखन होता है, अब गुहा भित्ति लेखन होता क्या है, ये सिंपल भाषा में आप ये मान के चलिए कि जो गुफाएं होती हैं उनकी जो दीवारें होती थी उन पर कुछ चित्र बना दिए थे जो लोग थे उस टाइम के, या उन्होंने जानवरों के चित्र बना दिए थे, या अपने चित्र बनाने की कोशिश की गई थी, या कुछ लिखने की कोशिश की गई थी। तो उन गुफाओं पर भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर मानव रहे हैं और वो किस तरह से रहते थे, वो सारे सारा नॉलेज हमें वहां पर मिलता है। तो गुहा भित्ति लेखन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप लोगों को दो याद रखने हैं। एक है आपका वामन गुफा जो कि आपका देवप्रयाग में है, और दूसरा कल्पनाथ गुफा। कल्पनाथ गुफा यहाँ दोनों का दोनों क्या है, आपका इसमें भित्ति लेखन मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, जो ईंट के बारे में हमने बात की थी, ईंट के प्रयोग के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं आपके देहरादून में, देहरादून और इवन नैनीताल में भी ये हमें मिलता है। और ईंट के लिए इष्टिका, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इष्टिका अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पर मिला था तो वही ईंट के बारे में ही पूछा जा रहा है, ये आपको होना चाहिए। और इनका प्रयोग जो था अश्वमेध यज्ञ कुंडों में किया जाता था। इसके अलावा जो मूर्तियां होती हैं, मूर्तियों के नीचे इसे कहा जाता है पीठिका, मूर्तियों के नीचे जिस पर मूर्ति बैठी रहती है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई मूर्ति थी और उस मूर्ति के नीचे यहाँ पर यूजुअली कुछ लिखा जाता था तो पीठिका, तो उससे भी हमें इतिहास के स्रोतों के तौर पर उसे हम ले सकते हैं। तो दो पीठिका आप लोगों को याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका कोलसारी और दूसरा है आपका देवलगढ़। देवलगढ़ दो जगह से हमें ये मूर्तिका की पीठिका का पर लेख मिलते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है आप लोगों का गोपेश्वर और बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख। अब अभिलेखों की बात करें तो दो त्रिशूल अभिलेख इम्पोर्टेंट हैं, त्रिशूल अभिलेख। त्रिशूल अभिलेख में जो पहला है वो है आप लोगों को का गोपेश्वर का, और दूसरा है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट जो जगह है ये आपकी उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। यहाँ से हमें त्रिशूल अभिलेख मिलते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन से वंश से ये संबंधित थी, तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये है आप लोगों का कत्यूरी काल से या कत्यूरी वंश से ये संबंध है। इसके बाद दूसरा इसमें बागेश्वर लेख से कत्यूरी काल के राजा बसंतदेव, खरपरदेव और राज निम्बर के वंशों की जानकारी मिलती है। तो बागेश्वर लेख, बागेश्वर लेख, बागेश्वर लेख से तीन जो राजा थे वो थे आपके बसंतदेव, बसंत, खरपरदेव। इसके लिए हमने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, बसंत खाए नींबू करके, राज निम्बर जो कोर्स में था उसमें काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स बनाकर हमने आपको दिए थे, जिससे कि आपको जो ऐतिहासिक जो राजा थे उनकी सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद आता है आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपका कालसी अभिलेख।
कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख मौर्य सम्राट जो अशोक अशोक कालीन है, और अशोक के ही टाइम पर इसे लगाया गया था, और इससे हमें पता चलता है कि जो मौर्य वंश का विस्तार था वो पूरा उत्तराखंड तक था। आगे चलते हैं। और लाखामंडल और देहरादून से प्राप्त अभिलेखों में छाग्लेश नामक राजाओं की जानकारी मिलती है, तो इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। जो लाखामंडल है और देहरादून है, वहां से जो अभिलेख है वहां पर कौन से राजा के बारे में बात होती है, तो वो थे आपका छाग्लेश नामक राजा। तो कई बार इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छाग्लेश नामक जो राजा था उसको कहाँ पर कौन से अभिलेखों में उनका वर्णन था, तो ये लाखामंडल से संबंधित थे। और इसके बाद आता है आपका टिहरी के पलेठी, टिहरी के पलेठी जगह से, पलेठी जगह से जो अभिलेख मिले हैं उसमें नागवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जितने अभिलेख हैं इनसे अगर प्रश्न बनते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनका आंसर देना, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें, तो वीडियो देखकर आप लोगों को याद हो जाएंगे। अब अगर ताम्र पत्रों की बात करें हम, ताम्र पत्र, तो ताम्र पत्र कब से शुरू माना जाता है? ये माना जाता है कि ये गुप्त काल में इनका इस प्रथा का, गुप्त काल से ही ये प्रथा का प्रचलन हुआ था, ठीक है, जो कि ताम्र पत्र पे, मीन्स तांबे को, बहुत पतली एक शीट होती है। अगर आप लोगों को ना पता हो कि ताम्र पत्र होता क्या है, कई बार चीजें हमें पता ही नहीं होती कि ये चीज होती क्या है, लेकिन हम उसे याद करते रहते हैं और ठीक से वो चीज याद नहीं होती है। तो तांबे के पत्र होते थे, उस पर मेटल के ऊपर क्या कर लिया जाता था, चीजों को लिख लिया जाता था। इसमें कार्तिकेयपुर से सबसे प्राचीनतम, अगर हम बात करें कि सबसे प्राचीनतम ताम्र पत्र कहाँ से मिला था, प्राचीनतम प्राचीनतम ताम्र पत्र जो मिलता है वो मिलता है आप लोगों का कार्तिकेयपुर से। अब कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर इसे आज देखें तो ये है आपका जोशीमठ, जोशीमठ कार्तिकेयपुर में। तालेश्वर और पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्र पत्रों में कत्यूरी काल के प्रारंभिक जो, अब इसके अलावा जो हैं उनको हम एक सामने लिख लेते हैं, पूरे जो ताम्र पत्र हैं उनको आप लोग लिख लीजिए। ताम्र पत्र, तो पहला मैंने आप लोगों को बताया कि जो पहला था वो कौन सा था, जोशीमठ। जो दूसरा ताम्र पत्र आप लोगों को याद रखना है वो है तालेश्वर और पांडुकेश्वर, तालेश्वर व पांडुकेश्वर, तालेश्वर और पांडुकेश्वर के प्राप्त ताम्र पत्रों में कत्यूरी काल के राजवंशों की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजवंशों के बारे में, तो ये भी कत्यूरी राजवंश के बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का बास्ते ताम्र पत्र, बास्ते ताम्र पत्र, बास्ते ताम्र पत्र ये आप लोगों का मिला जो है वो है आपका पिथौरागढ़, ये आप लोग लिख लेंगे। इसमें गोरखाओं के बारे में है, और अगर और इन डेप्थ पूछा जाए तो इसमें मोहन थापा के बारे में, जो सेनापति मोहन थापा था उस टाइम, जो सेनापति था मोहन थापा के बारे में इसमें उल्लेख हमें मिलता है। और उसके बाद चंद काल के कुछ ताम्र पत्र हैं, चंद काल के ताम्र पत्र, चंद काल के जो ताम्र पत्र हैं उसमें बाज बहादुर का ताम्र पत्र, बाज बहादुर का ताम्र पत्र आपको, जगत चंद का भी ताम्र पत्र है, जगत चंद। और नेक्स्ट है आप लोगों का उद्योग चंद। तो इन तीन राजाओं के ताम्र पत्र हमें मिलते हैं। मध्यकाल की हम बात करें, मध्यकाल से संबंधित ताम्र पत्र जो मिला है वो रानी कर्णावती का ताम्र पत्र मिलता है, कर्णावती का ताम्र पत्र हमें
मिलता है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं पृथ्वीपति शाह जो हैं, उनका 1657 ईस्वी का ताम्रपत्र हमें मिलता है। तो ये सारे ताम्रपत्र आप लोग इन्हें याद कर लेंगे तो आप लोगों के एग्जाम में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे बनेंगे वो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ताम्रपत्र के बाद में हम बात कर सकते हैं सिक्कों के बारे में कि सिक्के किस किस काल के हमें मिलते हैं। तो कुड़िंद परमार व चंद शासन के सिक्के हमें मिलते हैं और इसमें जो सबसे प्रथम अमोघ भूति भूमि प्रकार के जो रजत और ताम्र सिक्के जिन पर अपूर्ण मुद्रा ले ब्राह्मी खरोष्टी और केवल ब्राह्मी लिखा हुआ हमें मिलता है। अल्मोड़ा में हमें 54 सिक्के जो कि कत्यूरी घाटी में मिले थे, 54 सिक्के मिले जो कि हमें कहां पर मिलते हैं, कत्यूर घाटी में, कत्यूर घाटी में मिलते हैं। और तृतीय चन्नेश्वर प्रकार की मुद्राएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हैं आपके जो ऐतिहासिक इतिहास लिखने के क्रम में अगर हम देखें कि कहां कहां से हमें इतिहास उत्तराखंड का इतिहास हमें मिलता है तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आज। और आशा है कि आपके एग्जाम्स में ये सभी चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं RO AR O का या स्क्रीनिंग का, लेक्चरर स्क्रीनिंग का, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7409287156 पर और वहाँ पर आप चीज़ों के बारे में डिटेल से बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।